नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने ही YouTube चैनल स्टार राइड्स पर। तो दोस्तों, आज आपके सामने खड़ी है महिंद्रा सुप्रो और इसका नाम है महिंद्रा सुप्रो मैक्सी ट्रक T2। बहुत ही पुरानी गाड़ी है, लगभग ये लॉन्च हुई थी ना तभी गाड़ी को उठा लिया था। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इस गाड़ी का ओनरशिप रिव्यू करने वाले हैं। गाड़ी के मालिक से जानेंगे भाई गाड़ी का कैसा क्या एक्सपीरियंस है, क्या आपको गाड़ी ये लेनी चाहिए या फिर नहीं लेनी चाहिए, वो सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको देने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे घंटी को प्रेस करें ताकि आपको हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों, चलिए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लेते हैं गाड़ी के स्पेसिफिकेशन की। तो दोस्तों, यहाँ पर इस गाड़ी में लगा हुआ है 909 cc का डबल सिलेंडर डीजल इंजन। इसमें कोई भी DEF वगैरह UE नहीं डलता है। ये गाड़ी 2015 मॉडल है और इस इंजन की पावर है 47 HP की और गाड़ी से टॉर्क मिलता है 100 Nm का। और गाइस, गाड़ी का पूरा ग्रॉस व्हीकल वेट है 2135 किलोग्राम और गाड़ी से पेलोड निकल कर आता है 1000 किलो, मतलब 1 टन की पासिंग मिल जाती है। और गाड़ी में डीजल टैंक आता है 33 लीटर का। ये तो हो गई गाड़ी की स्पेसिफिकेशन। अब आपको गाड़ी का वर्क अराउंड देते हैं, फिर बाद में मिलते हैं गाड़ी के मालिक से। चेक करो गाड़ी का फ्रंट लुक, नई बनाई है बॉडी और काफ़ी शानदार बम्पर बना रखा है, 2 लाइट लगा रखी हैं और गाड़ी के नंबर हैं RJ06। और ऐसे कुछ है गाड़ी की साइड प्रोफाइल, ये है गाड़ी की रियर प्रोफाइल। पीछे से देखने में नहीं लगता है भाई गाड़ी ये छोटी वाली है, पिकअप की जैसे लगती है क्योंकि इसकी चौड़ी बॉडी बना रखी है और काफ़ी मजबूत बॉडी है। अंदर से आप देख सकते हो मच्छी वाली चादर लगा रखी है और काफ़ी मजबूत बॉडी बना रखी है, क्योंकि आप देख सकते हो पीछे से बिल्कुल भी नहीं लगता है भाई गाड़ी ये मिनी ट्रक है या कोई पिकअप है। और अब चलते हैं गाड़ी के अंदर और बात करते हैं गाड़ी के उस्ताद से। अंकल जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। शुभ नाम क्या है? समंदर सिंह राठौड़। समंदर सिंह जी राठौड़। और आप चेक कर सकते हो गाड़ी का इंटीरियर, बहुत ही नीट एंड क्लीन रखी हुई है गाड़ी को। अंकल जी, आप ये बताइए, आपको कितना टाइम हो गया इस गाड़ी को खरीदे हुए? 15 में उठाई मैंने तो, 15 मॉडल गाड़ी। अच्छा, 2015 मॉडल है ये गाड़ी। तो कितने साल हो गए? 9 साल हो गए गाड़ी को। 9 साल चल रहा है। अच्छा, 9वां साल चल रहा है। और आपने फर्स्ट में 2015 आपने ली थी? मतलब मैंने उठाई फर्स्ट पार्टी, कभी इंश्योरेंस नो क्लेम गाड़ी। अच्छा, गाड़ी को ली थी तब कितने में पड़ी है, कितने रेट में पड़ी आपको? 480 ऑन रोड। 4,80,000 में आपने ऑन रोड खरीदी थी। हाँ। तो फाइनेंस भी कराया होगा उसको? हाँ, 3,55 की फाइल। अच्छा, 3,55 की फाइल कराई थी। और उसमें आपका ब्याज कितना लगा था? ये ब्याज है ये भी तो मैंने नहीं, नहीं, फिर भी आपको मतलब लगभग कितने में पड़ गई ऑन रोड? ये पड़ गई करीबन 6 में पड़ गई, 6.5 में पड़ गई। अच्छा, तो आपकी गाड़ी फ्री तो कब की हो चुकी है? 2 बार फ्री कर दी। 2 बार फ्री कर दी। एक बार और उठाया 2.5 लाख वो भी फ्री कर दी। अच्छा, और कौन से लोड पर चलाती है उस गाड़ी को? इसको 3 साल तो मैंने केमिकल में चलाई। अच्छा, 3 साल उस पर चले, बाकी मंडी में चले, कृषि मंडी। कृषि मंडी में भी चलाया और केमिकल पर भी चलाया। और अभी आप किस लोड पर चला रहे हो? कूलर इस पे चलती है। अच्छा, लोकल चल रहे हो? लोकल नहीं, बाहर चलता है 100-300 किलोमीटर। अच्छा, 300 किलोमीटर भी जाते हो आप गाड़ी को लेकर? 300-400 किलोमीटर रोज चलती है। अच्छा, रोज चलती है। और कितने किलोमीटर गाड़ी आपने चला ली है अभी? 4,56,000 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है लगभग। तो बहुत ज्यादा चल चुके हैं। कितना लोड भरते हैं उस गाड़ी में? इसमें मैंने 3 टन तक भरा हुआ, 35 क्विंटल, 3 टन। अच्छा, 35 क्विंटल तक आपने भरा हुआ है? हाँ, लोकल में। ज्यादा दूर जाती है इसमें 2 टन। अच्छा, 2 टन आप दूर ले जाते हो, कोई दिक्कत आती है? नहीं आती, कोई नो टेंशन। 2 टन में कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं। और लोकल भी चले तो आप 3 टन भी भर लेते हो? मतलब 35 क्विंटल होते चल जाते। अच्छा, 35 क्विंटल तक भी आपने भरा हुआ है? और मतलब 4-4 टन भरा हुआ है? 4-4 टन भी भरा हुआ है लोकल में? लोकल 40 किलोमीटर जाना, 40 किलोमीटर। और अगर लंबा जाना हो तो 2 टन भर लेते हो? लंबा जाना तो 18 क्विंटल, 2 टन लास्ट। 2 टन में आपको कोई दिक्कत नहीं आती? कोई है, टेंशन नहीं, कार की तरह चलती है। और माइलेज कितना निकाल देती है गाड़ी? माइलेज बोले ना, एवरेज कितना देती है? एवरेज यार देखो, 17 खाली में 17-18 बैठ जाता है। और लोड में 15-14, मतलब हम मान सकते हैं 15 से ऊपर का माइलेज दे देती है, फ्री चलाओ या फिर खाली चलाओ 15 से ऊपर। अच्छा, और आपने ये बॉडी अभी नई बनवाई या पुरानी है? बॉडी नहीं बनी, पहले वाली बॉडी केमिकल से खत्म हो गई। अच्छा, खराब हो चुकी है? हाँ, अभी नई नई लग रही है इसलिए। हाँ, बॉडी नई बनवाई है और इंजन भी मैंने नया डाल दिया और 100 के अभी तक कुछ नहीं करवाया, एक कलर भी नहीं। अच्छा, कुछ भी नहीं कराया आपने, इंजन नया डाल दिया कंपनी कलर? हाँ। तो इंजन में क्या दिक्कत आई? इंजन फ्यूज हो गया। अच्छा, किस कारण, मतलब क्या कारण रहा उसका फ्यूज होने का? समय हो गया ना 2-4 लाख चल गई गाड़ी, क्या चलेगी 2.5 लाख पे इंजन खुल रहा है, मैंने तो 4 लाख चलेगी। 4 लाख किलोमीटर ज्यादा गाड़ी चल गई, फिर इंजन खराब हो गया पूरा, इंजन खत्म हो गया। तो आपने ये नहीं सोचा गाड़ी का इंजन को बंधवा ले या फिर काम करा ले? नहीं तो सोचा, मगर इंजन चल रहा था कैसे सोचा, अभी चल फ्यूज हो उसके बाद इसको मैंने 700 किलोमीटर चला ली। अच्छा, इंजन फ्यूज होने के बाद भी मैंने इसको 700 किलोमीटर चला ली। हाँ, इसलिए इंजन बिल्कुल खत्म हो गया। अच्छा, मतलब वो ज्यादा उसकी लाइफ खत्म होगी इस कारण वो स्विच हो गया या फिर आपने कोई लापरवाही कर दी? लाइफ खत्म है उसकी इंजन की, नहीं चलता है। टेम्पो का इंजन ज्यादा नहीं चलता है।
अगर उस जगह पर पिकअप का होता तो मतलब उसका काम करवाते हैं, इंजन का काम करो, काम होता है इंजन का, ऐसी बातें नहीं होता है। बर्द क्या होता है, इंजन का काम इसमें शिक्षित नहीं, आयल उठाती गाड़ी, इंजन का काम होने के बावजूद भी आयल उठाएगी। अच्छा, आयल उठाएगी तो फिर मतलब क्या है फिर? कोई मतलब नहीं। हमने ये गाड़ी का पहले करवा लिया 18 मॉडल का, 18 मॉडल का इंजन का काम करवा लिया, अभी तक वो आयल उठा रही। अच्छा, स्टाइल थोड़ा बंद नहीं हो रही, इसलिए हमने इंजन ही इसका दूसरा 19 मॉडल का इंजन ला कर डाल दिया। तो आपने मतलब इंजन लिया जो बिल्कुल नया लिया है फिर सेकंड हैंड लिया? सेकंड हैंड गाड़ी का 18 19 मॉडल गाड़ी का इंजन खोल के लाए हम। अच्छा, 19 मॉडल का आपने मतलब उस गाड़ी का खोल के इस डाली में, इस गाड़ी में डाल दिया, तो वो फिर इतना महंगा कैसे पड़ा? वो इतना महंगा कैसे पड़ा? महंगा तो इंजन दिल्ली से लाया, यहाँ थोड़ी मिला। अच्छा, आस पास में कहीं मिला ही नहीं, अजमेर जयपुर कहीं नहीं मिला। अच्छा, तब इस गाड़ी की रीसेलिंग वैल्यू, ये गाड़ी बहुत कम कटिंग तो है, इसकी वैल्यू बहुत तगड़ी है गाड़ी की। अच्छा, वैल्यू है, हाँ, इसीलिए इस गाड़ी कबाड़े में नहीं मिलती, सामान नहीं मिलता कबाड़े। अच्छा, तो आपने मतलब सेकंड हैंड क्यों लिया, नया ले लेते इंजन? नया बहुत महंगा पड़ता है, नया अच्छा बहुत ज्यादा महंगा पड़ता है, 2 लाख 2.25 लाख का पड़ रहा है। तो फिर आपने वो लिया ना, सेकंड हैंड इंजन लिया? हाँ। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आई अभी तक? दिक्कत नहीं, फिट गियर चाबी लगे स्टार्ट। अच्छा, कंप्लीट लिया ना, 70,000 इसीलिए दिए, बाकी कोई 70,000 में आपने सेकंड हैंड इंजन इसमें डाल दिया और उसको वापस उसको दे दिया रिप्लेसमेंट में। उसको कितने में दिया? उसको 70,000 देखे थे, उसको देखे 70,000 दिया। अच्छा, वरना और ज्यादा लेते हैं? और ज्यादा लेते हैं। अच्छा, दिल्ली से लाया, यहाँ नहीं मिला। और जैसे कि आपने ये सुप्रो ली थी, हाँ। तो आपने मतलब उस टाइम में टाटा एस भी आ रही थी, उसको क्यों नहीं लिया? उसका तो काफी अच्छा मार्केट है। टाटा नहीं, जितना ये लोड लेके चलते उतना टाटा नहीं लेता लोड। अच्छा, आप बोल रहे हो मैं 3 टन लोड करता हूँ, हाँ। तो आगे तो इसमें मतलब शोकर है, वो बट्टे कमाने थे नहीं, फिर दिक्कत नहीं आती है? कोई दिक्कत नहीं, आज ऐसे झोला नहीं मारती, ऊपर नीचे नहीं होती है, और आराम चलती, पत्ते वाले और बीमारी पहन, पत्ते वाले और कूदती गाड़ी है बिल्कुल। अच्छा, ये कूदती नहीं होगी, बिल्कुल कम्फर्टेबल चलती होगी, कार की तरह चलती है। आगे शोकर है ना, पट्टे कमाने थोड़ा झटके ज्यादा लगते हैं, और 2 टन माल में 500 किलोमीटर चलो, कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने मतलब पिकअप क्यों नहीं लिया? मतलब कारण ये है कि पिकअप का थोड़ा मतलब हमारे पास काम नहीं है। अच्छा, काम नहीं है, पिकअप बाहर जाती है, पिकअप अपने चाहिए लोकल काम के लिए, जैसे उदयपुर जाए, इधर बिजुलिया जाए, इधर निम्बाड़ा जाए, इधर नसीराबाद चले, बॉर्डर नहीं दिखाया गुजरात, इसको नहीं दिखाया एमपी बॉर्डर नहीं दिखाया, हाँ, तो उसके लिए गाड़ी ठीक है, मतलब बस इसीलिए चला रहा, चल रही है 1,000-1,200 रुपए दानी की वजह से, हाँ, तो बढ़िया है, हम रहते हैं वैसे, हमारी गाड़ी रहती है। अच्छा, इसके इसके बाद की गाड़ियां कबाड़े में कट गई। अच्छा, मेरे 2 महीने बाद में गाड़ी उठाई, वो गाड़ियां खत्म हो गई। नहीं, इसको कोई देखकर कोई बता नहीं सकता गाड़ी ये 17-15 मॉडल है या कोई 2019 मॉडल है? 4 लाख मतलब देने को तैयार है, बिल्कुल दे सकते हैं, गाड़ी की कंडीशन एक नंबर है ना। 4 लाख का भी गिरा गया, मगर मेरे को बेचनी नहीं थी, बेचनी होती मैं इसको जमा करा के पिकअप ले लेता, मैं इसमें 70,000 क्यों लगाता। अरे, क्या काम करते थे आप? गाड़ी करता था, घंटा चलाता है, यूनियन ऑफिस सामने ऑफिस हो रहा था। अच्छा, ऐसी गाड़ी चलाते थे बड़ी? हाँ, ट्रक है। इसको ये 2-8 दिन मिस्त्री की रहेगी, मेरे को नींद नहीं, 8 दिन नहीं, बिल्कुल गाड़ी का मतलब वो प्रेम है हमारा। अच्छा, ड्राइवर भी नहीं बैठा है? कभी नहीं बैठा है, काम है तो खड़ी, भले गाड़ी खड़ी रह जाओ लेकिन चलाएंगे आप खुद ही, कोई ड्राइवर नहीं बैठा। कितने साल से गाड़ी ड्राइवरी लाइन में हो? 27 साल से ड्राइवरी लाइन में। अच्छा, 27 साल आपको हो चुके हैं, और इस बॉडी के कितने लगे अभी आपने बॉडी बनाई? बॉडी के 70,000 हो गए, 70,000 आपके इंजन के हो गए, और इसके अलावा और कुछ खर्चा? बस इसके अलावा क्या काम है? और आपका मतलब 1 साल का कितना खर्चा आता है, बीमा फिटनेस का कितना खर्चा आता है? अभी बीमा आता है, अभी मैंने हर बार तो मेरा 19,500 जमा करा था, हर बार कंपनी में एवीएम फाइनेंस वाले लोन कंपनी में हमने जहाँ लोन कराया वही जमा करा था। अभी बाद में मैंने अभी 13,000 में करवाया, फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस, अपना थर्ड पार्टी इंश्योरेंस ही नहीं, फर्स्ट पार्टी। मतलब 1 साल का कितना खर्चा है इस गाड़ी का? 1 साल का 30,000 खर्चा है, 30,000 का खर्चा है। हाँ। मैं आपसे पूछता हूँ कि भाई मैं गाड़ी लेना चाहता हूँ तो टाटा एस लूँ या फिर सुपर लूँ या फिर मारुति सुजुकी की सुपर गेरी लूँ, तो आप कौन सी गाड़ी के लिए बोलोगे भाई ये गाड़ी लो? तो मैं ये चाहता हूँ कि महिंद्रा ही शिक्षित है लोडिंग के मामले में, लोडिंग हो लंबा जाने में। अच्छा, महिंद्रा सक्सेस है, भले पिकअप लो। सुपर गेरी है तो सुपर गेरी का एवरेज कम है उस हिसाब से वो गाड़ी, वो भी सही है, सुपर गेरी भी रेडी गाड़ी। टाटा एक ही चीज है, टाटा गाड़ी शिक्षित गरीब गाड़ी है, बहुत अच्छी गाड़ी है टाटा, पर उसमें क्या कहीं लंबा जाना है या कोई ओवरलोड ज्यादा हो जाता है, मान लो टन क्विंटल 2 क्विंटल ज्यादा वजन हो गया, जैसे कोई चढ़े आ गई वो नहीं चढ़ेगी। अच्छा, उसमें दिक्कत आती है? वो नहीं चढ़ेगी, जैसे कि इसमें आगे वो स्प्रिंग वाले सस्पेंशन है, तो उसमें आपके कोई दिक्कत है अभी तक? अभी तक कोई दिक्कत नहीं है, अपने शोकर है, शोकर मतलब कट खत्म हुआ, शोकर डाल दो बस। अच्छा, शोकर का कितना खर्चा आता है फिर? 9 साल में एक ही बार शोकर डाले, वो भी मैंने ऑनलाइन जयपुर से मंगाया, 5,300 रुपए का एक शोकर है, 5,300 रुपए का, लगभग 10,000 का खर्चा आ गया। 10,000 का खर्चा दोनों शोकर का, और मैंने 9 साल में 2 बार ही डलवाए। अच्छा, और आपने सर्विस कितने टाइम पर कराते हो, मतलब 10 किलोमीटर पर कराते हो या फिर टाइम पर? 5,000-6,000 में सर्विस कराता हूँ। 6,000 किलोमीटर होते हैं आपने सर्विस करा लेते हो, और कितना खर्चा आता है एक सर्विस पर? 1,200-1,500 रुपए सर्विस हो जाती है, क्या चेंज फिल्टर क्या कंपनी में ही कराते हो या फिर बाहर कराते हो? बाहर कराते, बहुत करवाया, इतने बिल जोड़े कर रखे हैं मैंने कंपनी में, बहुत ज्यादा बिल बनते हैं, बहुत ज्यादा
या तो सही है। मान चलो अभी चित्तौड़ जाना है, चित्तौड़ यहाँ से लगभग कितने किलोमीटर, 55 किलोमीटर, तो आपका वहाँ से भाड़ा कितना बनता है? 2 टन वजन है और चित्तौड़ ले जाना है, छोड़ कर आना है तो कितना? 2200 रुपए, जिसमें आपका डीजल की कितनी खपत हो जाती है? डीजल बढ़ता है 800 रुपए, 800 रुपए का डीजल चला जाता है, 200 रुपए टोल, 1000 रुपए खर्चा, 1200। अच्छा, 1200 रुपए बचत हो जाती है। और कितना टाइम लगता है इस ट्रिप को जाने आने में? एक घंटा जाने का, 1.25 घंटा आने का, 1 घंटा खाली करने का। अच्छा, 3 घंटे में चक्कर लग जाता है। 3 घंटे में मतलब 1200 रुपए बच जाते हैं ऐसा हो तो? अच्छा, तो ऐसा भाड़ा होता है पूरा दिन ही खराब हो जाता है। ये भी सही है, मतलब खाली लोड करने में, अनलोड करने में टाइम लग जाता है, बहुत ज्यादा तैयार नहीं है, रुक जाओ और भी तैयार हो रहा नहीं है, वो ऐसा टाइम लगता है। एक चक्कर भी मानो फिर भी देरी हो जाती है। तो रोज का मतलब आपका कितना टारगेट बैठ जाता है? मैं तो रोज का काम चलने का ऊपर है, बाकी मैं फिर भी अनुमानित महीने का 30,000 महीने का फिक्स है। अच्छा, 30,000 महीने का टारगेट फिक्स है, मतलब 30 से ऊपर ही निकलता है। तो जैसे कि कोई दिन आपने 2000 कमा लिए, किसी दिन 1000 रुपए कमा लिए, तो वो बराबर हो जाता है, मतलब किसी दिन खड़ा हो गया 1000 रुपए रोज ही गिनी चलो। सही है, वो सिस्टम तो अच्छी खासी मतलब इनकम हो जाती है। जैसे कि टेम्पो के अंदर मेहनत चाहिए, पिकअप हो तो भी मेहनत करनी पड़ेगी, जो मेहनत करेगा आदमी वो फ्री हो जाएगा। मैंने ये गाड़ी उठाई, मेरे पास 1 रुपया नहीं था, मैं 1,25,000 किसी से ब्याज के लेके आया। अच्छा, उसको 2 साल में मैंने पैसे दिए, 3,60,000 बनाए उसने, फिर भी उसको पेमेंट दिया, क्यों? मैंने एमएलए की मंडी में एमएलए करके इस गाड़ी को फ्री की। अच्छा, आपने मतलब मंडी के अंदर एमएलए करता, कोरियर भरना, अनलोडिंग अनलोडिंग इकला मैं करता। अच्छा, गाड़ी को चलाना भी आपको ही है, लोडिंग करना, अनलोडिंग करना सब आपको है, मतलब मेहनत की तभी आप मतलब इस जगह पर हो अभी। ये गाड़ी फ्री है, इस गाड़ी से मैंने बच्ची की शादी की, 8 लाख शादी में लगाया, 28.5 लाख मकान में लगाया, इसी गाड़ी सब कुछ इसी गाड़ी से हुआ। इससे पहले मेरे पास साइकिल भी नहीं थी। अच्छा, आज भगवान की दया है, भगवान की दया से बहुत बहुत बढ़िया, मतलब अच्छा धंधा चल रहा है, मतलब भगवान की कृपा है और ये काम है। तो अंकल जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो के लिए। और दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो, और कुछ भी सवाल रह गया हो तो कमेंट करके जरूर बताना, और मैं इनसे पूछकर आपको बता दूंगा। और दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे घंटे को प्रेस करें। और दोस्तों मैं मिलता हूं आपसे किसी नई वीडियो में, किसी नई गाड़ी के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।